और गुड मॉर्निंग गाइस, आज आज सुबह का 6 बज गया। मैंने जॉगिंग में आया था, अभी तो गांव में हूँ मैं। जॉगिंग में आया था यहाँ पे, तो जॉगिंग करके जा रहा हूँ। अभी देखो सूरज निकला हुआ है बहुत बढ़िया की तरह से। तो यहाँ पे गांव में कहना पूरा शांत परिवेश होता है, बहुत शांत होता है तो जगह जो है ना। तो देखो चिड़िया का ये है, ये देखो मेरा फार्म हाउस का पूरा जो व्यू है, ये मेरा फार्म हाउस का। जंगल में जो बम्बू का थोड़ा पेड़ वगैरह होता है यहाँ पे है, ये देखे हो सामने। मैं बहुत क्लीन जगह है, अच्छा जगह है। तो यहाँ पे सुबह का जो मौसम होता है ना, सुबह का जो होता है बहुत बढ़िया होता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे गाँव में। तो आज का तो कुछ वैसा प्लानिंग नहीं। मैं आज देखूँगा वो खेत के अंदर जाऊँगा, जो खेत है ना वहाँ पे देख रहे हो ना खेत सब, ये खेत है ना वो, आज मैं खेत के अंदर जाने वाला हूँ। मैं थोड़ा आ जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होकर फिर मैं आऊँगा खेत के लिए। तो आपको पूरा आज खेत का वीडियो दिखाएंगे, तो आपको बताएंगे कि उड़ीसा में जो धान का खेती होता है तो किस तरह का होता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से, जॉगिंग कर चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ घर के लिए। जाऊँ घर यहाँ से मेरा उस तरफ है, तो मैं जाऊँगा वहाँ पर थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर फिर मैं आऊँगा खेत की तरफ। और मेरा दूसरा एक है फार्म हाउस है, वो वहाँ पर दिखाऊँगा। वो जो काजू का पेड़ है ना लगाया हूँ, तो प्लांटेशन किया हूँ मैं, दिखाऊँगा। जब मैं आता हूँ चलता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली गांव में तो था, मैं अभी 2 दिन से आया हूँ गांव में, वो पता तो गांव में था। बहुत मतलब जुकाम हो गया था पूरा, क्योंकि वो जम्मू में गया था ना, जम्मू कश्मीर उधर, वहाँ पे सर्दी था बहुत, तो हो गया था। अभी हूँ यहाँ पे, ये मेरा फार्म हाउस है, ये सामने देख रहे हो। मैं पहले मतलब लास्ट वीडियो में देखा हो गया हूँ फार्म हाउस का। ये मेरा फार्म हाउस, छोटा सा फार्म हाउस है। यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आम का है और केला का है और वहाँ पे काजू का लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है तो जगह है। तो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है आज, वो लो प्रेशर की वजह से बारिश हो रहा है। तो आज कुछ नहीं, वो लड़के लोग कुछ चिकन वगैरह कर रहे हैं, तो यहीं पे खाना होगा आज फार्म हाउस में खाना होगा। यहाँ पर देखो धान का, मेरा भी एक वीडियो बनाने वाला था धान के बारे में, क्योंकि अभी गांव में धान का कटाई शुरू हो गया है। सामने देख रहे हो ये धान का है, देखो धान का ये पूरा सब सारे जो देख रहे हो ना, जामुन से लेकर यहाँ तक सारे धान का फसल, मतलब गेहूँ बुआ नहीं गया है, गेहूँ इसके बाद होता है। हमारे यहाँ तो गेहूँ नहीं होता है, गेहूँ ज़्यादातर होता है कहाँ पे ना, वो पंजाब में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, वहाँ पे गेहूँ होता है। तो हम लोग का यहाँ से ये होगा, तो अभी वो बीरी का होता है, बीरी बोल के जो है ना मूंग का, जो ना मूंग का फसल होता है यहाँ पे, होता है मूंग का ये धान काटने के बाद। तो अभी तो धान देखो पक रहे हैं सब, मैंने पूरा गोल्ड कलर हो गया। तो अभी वो कटने के बाद धान शुरू होना, मतलब गेहूँ से ना सॉरी ये शुरू होगा, क्या बोलते हैं उसको, मूंग का शुरू होगा। तो अभी 1-2 महीना लगेगा कटने को, अभी थोड़ा बारिश हो गया और मतलब खेत के लिए, मतलब ये जो फसल के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अभी बारिश होगा तो बारिश 2 दिन से हो रहा है, तो इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम है, सब काट के डाले हुए हैं खेत में। तो अभी ये देख रहे हो मुझे, तो मुझे अभी मैं अभी 5-6 दिन हुए यहाँ पे, तो रुकूंगा अभी कोई नहीं। तो थोड़ा काम है मेरा, है काम है, मीटिंग वगैरह है, थोड़ा सा ख़त्म करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो काम का ऑफिस जो है ना यहाँ पे है, वो कटक में नहीं, तो यहाँ पे रहूँगा। और थोड़ा कुछ काम है यहाँ पे, घर का काम है, तो मैं ख़त्म करूँगा। ये मेरा फार्म हाउस है यहाँ पे, मैं फार्म हाउस को अभी रेंट पे दे दिया था। देखो ये सामान है इसका, इलेक्ट्रिक ऑफिस का सामान है सारा, ये है। यहाँ पे मैं मुर्गा रखता था यहाँ पे फार्म हाउस में। ये देखो ये सामने जो देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक वो लोग सब है ना, वो भाड़े में है अभी मेरे फार्म हाउस में। तो ये लोग अभी पहले नहीं थे, वो बारिश की वजह से नहीं थे, अभी आ रहे हैं, आ गए हैं अभी काम के लिए। तो ये देखो धान का ये पूरा दिखाऊंगा आपको, और तो थोड़ा बारिश हो रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ, फिर बाद में देखो। ये जो धान है ना, ये सारे अभी पकने, मैंने पक गया है अभी, सब कटाई शुरू हो गया है सारे जो देख रहे हो ना, ये कटाई शुरू हो गया है ये पूरा। ये मेरे खेत जो है ना, वो फार्म हाउस है ना मेरा, फार्म हाउस के पास में ये खेती सब जो है पास में है। बहुत सारे यहाँ पे जितना देख रहे हो, पूरा जगह देख रहे हो ना, ये पूरा खेत है यहाँ। तो ये एक्चुअली उड़ीसा का है, उड़ीसा में
छोटा सा है राजा, आपको पता है उड़ीसा, तो उड़ीसा में छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे केंद्रापड़ा करके एक गांव है यहाँ पे, एक्चुअली मेरा ही गांव है। तो ये वाला देख लो, ये जो खेती सब देख लो ना, पूरा खेती हुआ था, ये सब पक गया है, अभी काटना शुरू होगा, अभी काटे नहीं क्योंकि थोड़ा सा बारिश हो गया था, बारिश की वजह से वो कटाई शुरू नहीं हो पाया, तो अभी थोड़ा बड़ा हुआ नहीं, ये भी देखो ये हुआ नहीं अभी तक। अभी क्या कर रहे हैं, धान को भी काट रहे हैं, काट के यहाँ पे रखते हैं, तो ये जो जगह है ना साफ करके इसको पूजा वूजा करके यहाँ पे सब धान का जो क्या उसका रैक करके रखेंगे, ऊपर से ऊपर रखे रैक करके, वो बना रहा है, वो रैक बना रहा है, तो यहाँ पे धान स्टोर होगा, और यहाँ से फिर इसको मशीन के द्वारा मशीन हो हाथ में इसको पीट के निकालेंगे, मतलब धान निकालेंगे, फिर धान लेके जाएंगे। यहाँ पे दो महीने का प्रोसेस है, हम लोग यहीं पर है, यहाँ पर हम लोग आज शाम को थोड़ा बहुत यहाँ पर खाना पीना होगा, थोड़ा छोटा पार्टी वटी, थोड़ा छोटा सा पार्टी होगा, तो हम लोग यहीं पर खाना बनाएंगे। तो फिर तो यहाँ पे वो कर रहा है, यहाँ पे वो इसको खड़ा बोलते हैं मतलब उड़िया में, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मस्ती कर रहा हूँ, तो ये घास होता है, घास काट के गाय के लिए लेके जाते हैं, ये पूरा जो देख रहे हो प्रोसेस है ना, वो घास काट के इसको मतलब बांध के लेके जाते हैं, मैं उठा रहा हूँ उसको, मतलब जैसे हो नहीं रहा है, तो ये है। तो चलो चलो हम लोग वहाँ पर खाना बनाएंगे, आज खाना बनेगा फार्म हाउस में, वो चिकन है सर, चिकन बनेगा और प्रॉन वगैरह, देसी प्रॉन मतलब गांव का प्रॉन जो है ना वो बनाएंगे, मतलब अंडा भी बन गया, अंडा खाएंगे, ये थोड़ा अंडा बना रहे हम लोग, मिट्टी के हंडे में बनाएंगे, तो इसको यहाँ पर फ्राई वाई करके वो मिट्टी का हैंडलिंग करेंगे। अभी गांव में सर्दी ज़्यादा नहीं है, और फिर भी हम लोग आज एक था छोटा सा पिस्ता, अभी शुरू हो गया, आते तो कभी होता है चिकन में अच्छा मिलता है गांव का, देसी चिकन, एक्चुअली थोड़ा सा भी शुरू हो गया, तो अभी नॉर्थ को जाएगा, नॉर्थ को जाएगा, क्योंकि क्योंकि एक ही आदमी यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है ना, लकड़ी में होता है, लकड़ी चूल्हा जलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे जगह किसी जगह जला तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, तो टाइम लगता है। तो आप लोग कभी खाओगे तो आप चूल्हा का खाना जो है ना, चूल्हे में जो बनता है लकड़ी चूल्हा, तो आज दिन पर आज ये सेटर बोलो ना बोलो आते हो तो मुझे लागू जी आज पाटन लागू जी स्मेल हो जी बस स्मेल हो से जो ये पे मैं और लागे जाए तो तोड़ो दुकान तोड़ बोले तोड़ो का नहीं बाकी अंदर लागे ना, तो बिल्कुल लागियो तो आज अंदर लागे भाई मठियांडा तो लागे कौन स्मेल से जो घी तो कौन ये पण ताती नहीं तो ताती ये टाइम हाथ रखी ताती ताती माने से ता सिस्टम से आ तो मठियांडा से आ दिन पर आज ये तो सेटर बोलो ना बोलो तो मुझे लागू जी बिल्कुल लागे भाई मठियांडा तो लागे कौन स्मेल से जो घी तो कौन ये पण ताती नहीं ताती नहीं तो ताती ये टाइम हाथ रखी ताती ताती मैंने से सिस्टम से मठियांडा से चिकन तो हो गया खत्म हो गया चिकन का, अभी अंडे अंडे का कुछ कर रहे हैं, देखो ये भुजिया बोलते हैं इसको गांव में, ज़्यादातर लोग भुजिया भुजिया तो भुजिया तो नहीं है ये, जिसमें बन रहा है इसमें बनता नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमें खाने के लिए ये वो लोग हो गया, अभी दो चार हो गया है, अभी इसको ये है इस तरह का, इस तरह का हम लोग कर रहे हैं। तो देखो ये आपको पता नहीं, ये ढाबा साइड में पता नहीं, लेकिन गांव में ऐसा होता है थोड़ा मस्ती के लिए।
नहीं खाया था नहीं।